नमस्कार, छत्तीसगढ़ के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं 19 अगस्त 2022 को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार क्या है छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल और आपके जिले की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल Google News छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दे, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी डालते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिनमें सबसे ज्यादा बारिश रायपुर में 80 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। कांकेर में 10, मुंगेली में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुआ। वहीं बलौदाबाजार और जसपुर में हल्की सी वर्षा देखने को मिली। तो आइए देखते हैं कल छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कल छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहेगा। तापमान की बात करें तो दिन के समय जिन जिलों में अधिक तापमान होगा वे जिले हैं जसपुर, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, जहां पर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। इसी तरह रात के समय जिन जिलों में न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा वे जिले हैं जसपुर, कोरिया, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर, जहां पर 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है तापमान। हवा की गति की बात करें तो आज के डेट में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। सबसे पहले वे जिले देखेंगे जहां पर बहुत ही हल्की बारिश या सिर्फ घने बादल छाए रह सकते हैं। वे जिले हैं सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम और नारायणपुर। इन जिलों में हल्की छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्यम वर्षा वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं रायगढ़, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर। इन जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। भारी बारिश वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, सक्ती, सारंगढ़, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, महासमुंद, बस्तर और बीजापुर। इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। तो ये था छत्तीसगढ़ में आज का मौसम और आपके जिले की मौसम की जानकारी। साथियों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।